हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉइंटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, पहला पॉइंट पॉइंटर का है, पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल। ये क्या वेरिएबल है? दैट गिव्स और पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये रखता है एड्रेस दूसरे वेरिएबल का। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इट एलोकेट्स मेमोरी डायनेमिकली, दैट इज रन टाइम। जब प्रोग्राम रन करता है तब तो वहां पे ये एलोकेट करता है मेमोरी। द पॉइंटर वेरिएबल यूज इन एनी डेटा टाइप। हम यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, फ्लोट भी, कैन, डबल, एक्सेट्रा। और यहाँ पे देखिए, इसका सिंटेक्स है डेटा टाइप वेर नेम। तो यहाँ पे अगर स्टार आप दे दिए तो ये क्या हो गया? पॉइंटर वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल है, इंट स्टार के, कैर स्टार सी, फ्लोट स्टार एफ। तो यहाँ पे स्टार यूनिटिंग के सी एफ पॉइंटर वेरिएबल। अब देखिए, हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हम कोई एक्स इक्वल टू 100 हम जब प्रोग्राम में देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 100 जो कि वैल्यू है, और फिर एक्स क्या है? वैल्यू का ये नेम है। अब देखिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो वो कोई सिस्टम जनरेटेड और कोई एड्रेस पे स्टोर होता है। जैसे हम कोई एड्रेस को मान लेते हैं 1001001, तो ये सिस्टम जनरेटेड एड्रेस है, तो उस पे ये वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये वैल्यू है, ये एड्रेस है, तो यहाँ पे ये एड्रेस हो गया। तो ये एक सिंपल वेरिएबल का एग्जांपल है। तो अब चलिए, यहाँ पे हम एक पॉइंट वेरिएबल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम इंट, यहाँ पे लिखते हैं स्टार के। ये इंटीजर टाइप का है। अब मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया तो ये पॉइंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल हम लिख रहे हैं, इंट सी, ठीक है? तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम दे रहे हैं 90। अब देखिए, यहाँ पे पहला डेफिनेशन था कि पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल। ये एक वेरिएबल होता है दैट गिव्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये एड्रेस रखता है अनदर वेरिएबल का। तो यहाँ पे और के क्या है? ये पॉइंटर वेरिएबल है, तो यहाँ पे एड्रेस रखता है। तो के इक्वल टू ये एड्रेस रखता है अनदर वेरिएबल का। तो ये हम अनदर वेरिएबल में हम सी देते हैं, तो सी का जो भी एड्रेस है उसका ये एड्रेस रखता है, और ये वैल्यू जो कि इनिशियलाइज होता है यहाँ पे के में जाता है। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट एफ फंक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रिंट एफ फंक्शन, और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको परसेंट डी देना पड़ेगा क्योंकि के क्या है? इंटीजर टाइप का है। तो के ये इंटीजर टाइप का, तब जाके यहाँ पे स्टार के आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम परसेंट सी, तो यहाँ पे जो भी एड्रेस सी का होगा वो के में चला जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे स्टार के लिखने से और सी का जो भी वैल्यू होगा वो के में आ जाएगा। तो यहाँ पे सी का वैल्यू 90 है, तो ये 90 के में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एम परसेंट मतलब ये एड्रेस डिनोट करता है और ये स्टार मतलब इसका वैल्यू, ठीक है? अब यहाँ पे आपको हम एक सिंपल एग्जांपल देने जा रहे हैं। चलिए, और सिंपल सा कोड लिख रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल हम लिए यहाँ पे k, और यहाँ पे इसका वैल्यू हम इनिशियलाइज किए 15 से, और यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल लिए स्टार p। अब यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंटर जो भी होता है एड्रेस होल्ड करता है, तो यहाँ पे p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, एम्परसेंट a मतलब एड्रेस ऑफ a, तो a का एड्रेस p में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम अगर हम प्रिंट कराना है तो प्रिंट फंक्शन परसेंट d, तो यहाँ पे k का वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन। अब यहाँ पे पॉइंटर हम यूज करें तो यहाँ परसेंट डी, तो यहाँ पे हम पी प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार पी। चलिए कोड को एग्जीक्यूट करें तो दोनों में 15 ही आना चाहिए। P इक्वल टू एम परसेंट यहाँ पे एक ओके देना था। चलिए फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 15 15 आ रहा है। यहाँ पे इसको न्यू लाइन में कर देते हैं, देखिए 15 15 आ रहा है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने कोड को यहाँ पेस्ट कर दिया, तो कोड को डिबग करने के बाद सबसे पहले कंट्रोल मेन फंक्शन के पास आएगा, उसके बाद ये इंट अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक के वेरिएबल लिया है, ठीक है, और इसका वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया है 15 से। तो यहाँ पे के है तो ये 15 इसका वैल्यू है। तो कोई भी वेरिएबल किसी एड्रेस पे सिस्टम जनरेटेड एड्रेस पे स्टोर होता है। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए कि सिस्टम जनरेटेड एड्रेस है 1009, ये सिस्टम का जनरेटेड एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल लिया मैंने, तो ये p है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ k, तो एड्रेस ऑफ k क्या है 1009 है, तो ये एड्रेस p में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे P में गया 1009 यहाँ पे मूव हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल हम प्रिंट करा रहे हैं K का, तो K का वैल्यू 15 है, तो ये 15 प्रिंट किया। तो 1009 एड्रेस पे इस पे वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है, तो ये 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब स्टार P दीजिएगा तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा, तो 1009 एड्रेस पे 15 है, तो ये 15 प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी 15 आएगा। तो इस तरह से पॉइंटर वर्क करता है। तो पॉइंटर यहाँ पे एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट कर दें, पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल होता है दैट गिव्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस वो होल्ड करता है, गिव करता है। तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसने एड्रेस के का होल्ड किया, और उसके बाद यहाँ पे स्टार देकर आप वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट वे में पॉइंटर वैल्यू को प्रिंट करता है। तो 109 एड्रेस है, ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू होगा तो स्टार पी देने के बाद वो प्रिंट करेगा। तो इस तरह से पॉइंटर वर्क करता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, और ये एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है पॉइंटर का। तो आगे की वीडियो में और सारा प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे पॉइंटर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो। थैंक यू।